हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवी दासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भिंडी को सूखी, ग्रेवी वाली, दही वाली अनेक टाइप की बनाई जाती हैं, परंतु आज हम ठाकुर जी के लिए बनाने वाले हैं कच्चे केले और भिंडी की सब्जी। आलू से तो सब बनाते हैं, मगर यह जो है बहुत ही अलग सब्जी है। इसमें ना आलू चाहिए और ना ही टमाटर, बट बहुत ही बेहतरीन बनती है। यह एक ड्राई और क्रिस्पी सब्जी बनकर रेडी होगी, जिसमें हमें ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भिंडी और कच्चे केले की सब्जी। यहाँ पर हमने सब्जी बनाने के लिए ली है आधा किलो जितनी भिंडी, और भिंडी को हमने अच्छे से धो लिया है, धोकर हल्का सा सूखा दिया है, और साथ में लिए हैं दो कच्चे केले। अब साफ कपड़े की मदद से भिंडी को हमें इस तरह से साफ कर लेना है। अब इसे कट कर लेंगे, भिंडी की साइड्स कट कर लेनी है और इसे मीडियम साइज में कट करना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा लंबा भी नहीं, उस तरीके से कट कर लेंगे। सारी भिंडी तैयार है। अब केले के छिलके निकाल देंगे, केले को हमें लास्ट में ही कट करना है, नहीं तो वह पूरा काला हो जाएगा। इस तरह से मीडियम पीस में कट कर लेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना तेल गरम करेंगे, 1/4 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर। सबसे पहले हमें केले को फ्राई कर लेना है, पूरा फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं उसी तरह से हम इसे कुक करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गई है, एक बार मिक्स कर लेंगे। हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि उस पर एक क्रिस्पी सा लेयर आ जाएगा, और फिर से हम इसे ढक देंगे और कुक करेंगे। छः से सात मिनट हो गई है और केले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप इस पर देख सकते हैं क्रिस्पी सा लेयर। इसे हम प्लेट में ले लेंगे। उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना तेल गरम करेंगे, 1/4 चम्मच जितने मेथी के दाने, 1 चम्मच जितना जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर या फिर 1/2 चम्मच, और 1/4 चम्मच जितनी हींग। हमने जो भिंडी कट करके रखी थी वह डालेंगे, मिक्स कर लेंगे, और लो फ्लेम पर जैसे ही हमने केले को फ्राई किया उसी तरह से हमें भिंडी को भी कुक करना है। तीन से चार मिनट के बाद चेक करेंगे, आप देख सकते हैं इस पर भी हल्का सा गोल्डन कलर आया है। हमें इस तरह से मिक्स करते रहना है ताकि सभी साइड से जो भिंडी है वो क्रिस्पी बने और एक गोल्डन सा लेयर आ जाए। यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गई है, मिक्स कर लेंगे। भिंडी जो है अच्छे से कुरकुरी हो गई है। हम जैसे भिंडी को धोकर डायरेक्ट हमें इसे पकाना नहीं है, इसे अच्छे से कपड़े से साफ कर कर बाद में करेंगे तो चिपचिपा सा नहीं बनेगा। केले की सब्जी जो बन गई थी वह डालेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। नमक हमें लास्ट में डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और सब कुछ अच्छे से लो फ्लेम पर ही मिला देंगे। हमने पहले भी अनेक सब्जियां शेयर की है और वह सभी सब्जी रेसिपीज की प्लेलिस्ट में मौजूद है और जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कच्चे केले और भिंडी की सब्जी बिल्कुल तैयार है, हम स्टोव को बंद कर देंगे। यहाँ पर हम दाल चावल के साथ सर्व कर रहे हैं, आप चाहे तो रसम राइस, सांभर राइस या चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तुलसी पत्र रखकर भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। अगर आपको पोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि पोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।